गोंडा के बालपुर गांव में उस समय सनसनी मच गई जब लोगों ने सुबह एक व्यक्ति को उसी की दुकान में मृत हालत में पाया। बताया गया है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी चक्की की दुकान में सो रहा था, तभी किसी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। सुबह जब परिजन आटा चक्की पर आए तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। बुजुर्ग को इस हालत में देख कर परिजनों के होश उड़ गए। इसमें कल हम लोग वही 11 बजे तक वहाँ चक्की पे थे, उसके बाद में सोने के लिए पास में ही घर है सालपुर दौताल में, 100 मीटर चक्की से दूर है, वहाँ सोने चले गए। उसके बाद में रोज़ की तरह जो हमारे यहाँ के बच्चे 3 बजे यहाँ रोड पे दौड़ते थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जब वो लोग आए यहाँ देखे तो जो हमारे बाबा लगते हैं उन्होंने सब बुलाया बाबा बाबा, तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। उसके बाद सर जब वो अंदर गए वहाँ तो देखे उनके पेट में किसी ने चाकू से या किसी से नुकीले पदार्थ से हमला कर दिया था और वो एक्सपायर हो गए थे। कौन लगते थे जो मृतक हैं आपके? जी हमारे पिताजी लगते हैं बड़े। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया है कि 70 साल के वासुदेव सिंह रोज की तरह ही अपनी आटा चक्की पर कमरे में लेटे हुए थे। अज्ञात हत्यारों ने रात में धारदार हथियार से गोद कर उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जा पहुंची और घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। ये सालपुर गुगिया ग्राम है जिसमें वासुदेव सिंह अपनी चक्की है उनकी आटा की, उस पर वो सो रहे थे कमरे में और इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। और सुबह जब इनके पौत्र और पुत्र को पता लगा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और अभी उपपंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिस वजह से ये मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जिले के एसपी और सीओ ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। जल्द ही वारदात का खुलासा किए जाने की बात कही गई है। न्यूज डेस्क।